और अगर डिफिकल्टी वाइज बात करें, पेपर का डिफिकल्टी लेवल केमिस्ट्री का कैसा होता है अगर हम इसकी बात करने चले जाएं, पेपर का डिफिकल्टी लेवल क्या होता है, तो भाई साहब 75% क्वेश्चन जो है वो इजी ही आते हैं। इजी मतलब इतने इजी कि अगर तुम पढ़ के गए हो, आपने घर पे तैयारी करी है, आपने सारे टेस्ट अच्छे से ईमानदारी से दिए हैं, तो ये सवाल देखते ही बनेंगे। ईमानदारी से अगर तैयारी करके जाओगे तभी बनेंगे, प्रैक्टिस करके जाओगे तभी बनेंगे। तो 75% इजी होता है, ठीक है, ये 75% पेपर एकदम इजी होता है। और आप ये मान के चलो जो बच्चे सेलेक्ट होते हैं वो पहली नजर में 75% जो है देखा और आंसर वैसा करते हैं, बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं होती, पहले से ही तैयारी होती है भाई, सीधी सी बात है। प्रैक्टिस इतना अच्छे से करके जाओ कि मैच खेलो तो यार मजा आ जाए, प्रैक्टिस में ही सारा झोंक दो तब जाके तुम मैच में जीत पाओगे, ठीक है। तो प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, आपको पूरा एक साल मिला है, आप जमकर प्रैक्टिस करो, दबाकर प्रैक्टिस करो, वो जो 3 घंटे होंगे ना उस समय वो आपको खेल लगेंगे, ध्यान रखना, है ना। तो 75% आपका इजी पोर्शन है, 20% जो है वो मीडियम आता है, मतलब इसमें थोड़ा कैलकुलेशन बेस्ड होगा या थोड़ा सा घुमा फिरा के पूछ लेंगे, और 5% के आसपास अगर हम बात करें तो ये हार्ड क्वेश्चन होते हैं, और ऐसे कोई हार्ड नहीं होते, बस उस पर्टिकुलर चैप्टर की गहराइयों को नापने के लिए 5% सवाल पूछे जाते हैं, जो डिफरेंस क्रिएट करते हैं, वो जो आते हैं ना 720, 715, 705, उनमें और 690 वालों में। आप देखो जरा, आप अगर रैंक देखोगे बच्चों की, तो अगर AIR 1 की हम बात करें तो वो अगर 720 पे आ रहा है, आजकल तो आने लगे 720 में, 720 715 पे आ रहा है, 701 पे आ रहा है, 705 पे आ रहा है, तो 10 तक का डिफरेंस, AIR 1 से 10 तक का बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता, 5, 7, 10 नंबर का डिफरेंस होता है, और वही डिफरेंस क्रिएट करते हैं 5%। भाई अगर हम बात करें 710 पे AIR 1 है, तो 695 पे AIR 10, तो जो कितना छोटा मार्जिन होता है 1 से लेकर 10 तक, तो वो डिफरेंस क्रिएट करते हैं कौन से वाले, ये 5%। तो उसके लिए आपको चैप्टर तो पढ़ना ही है, उसके अंदर की चीजों को भी पढ़ना होगा, वो सब हम पढ़ेंगे। भाई जैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की हम बात करें, जहां जरूरत होगी कि हाँ इसकी मैकेनिज्म जरूरी है, इसमें इलेक्ट्रोफाइल पूछ लेंगे, इसमें अटैकिंग रिएजेंट पूछ लेंगे, इसमें रीअरेंजमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा है ये पूछ लेंगे, तो वो सारी की सारी चीजें आपको करवाई जाएंगी, ठीक है, समझ गए आपको। चलो भाई